हेलो एवरीवन, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक अध्ययन में राजनीतिक शास्त्र का पाठ 5 औरतों ने बदली दुनिया में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें कि समाज लड़कों लड़कियों के व्यवहार, बुद्धि, कार्यों आदि के बारे में अलग अलग अपेक्षाएं रखता है। कम से कम 6 बातें लिखकर बताओ। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो है कि समाज के हिसाब से लड़कों को बाहर का कार्य तथा मेलजोल बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को घर का कार्य करना चाहिए, ये समाज मानता है। दूसरा, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बुद्धि कम होती है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम काम करती हैं, लड़का बड़ा होकर घर का नाम रोशन करेगा और लड़कियों का विवाह कर दिया जाएगा। और एक है यहाँ पर कि समाज में लड़कियों को घर की इज्जत के हिसाब से भी देखा जाता है कि लड़कियां तो घर की इज्जत होती है, घर से बाहर नहीं जाएगी, इस तरह से सोचा जाता है। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या तुम्हारे गांव कस्बे में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या होती है? अगर हाँ तो किस किस तरह की? तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ, समस्या होती है। सबसे पहले तो परिवार के सदस्य बेटियों को कम पढ़ाना चाहते हैं, विद्यालय का गांव से दूर होना भी इसका दूसरा कारण है, तीसरा है धन की कमी, और आगे नेक्स्ट है जागरूकता की कमी कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इसीलिए शिक्षा जो है वो लड़कियों को कम शिक्षा प्रदान करते हैं। अब तो आगे इस तीसरे क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे कि पाठ में रास सुंदरी देवी, रसाबाई नहीं है ये, यहाँ रमाबाई है, रमाबाई और रुकैया सखावत कुशैन के जीवन के बारे में बताया गया है। इन तीनों की कहानियों में से तुम किसकी कहानी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हो, क्यों? तो इसमें लिखेंगे रमाबाई, 1858 से 1922 तक का समय है इनका। महिला शिक्षा की यह योद्धा कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने पढ़ना लिखना अपने माता पिता से सीखा, उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उन्होंने 1898 में एक मिशन की स्थापना की जहां विधवा स्त्रियों को, गरीब औरतों को शिक्षा दी जाती थी। यह मिशन आज भी सक्रिय है। अब आगे है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि तालिका में एक परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पर पिता है, उम्र है 40 वर्ष, BA पास है, व्यवसाय नौकरी, माता है 35 साल उम्र है, प्राथमिक शैक्षिक योग्यता जो है प्राथमिक 5वीं पास की है यानी कि 5वीं तक, घरेलू कार्य करती हैं, चाचा है 37 वर्ष की 12वीं पास है, खेती करते हैं, चाची है 32 साल की, अनपढ़ है, घरेलू कार्य करती। इस तरह से यहाँ पर बेटा, ये बेटी 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 तीनों बेटियाँ हैं यहाँ पर, देखिए ये नहीं पढ़ी है, ये बेटी भी 5वीं के बाद सरकारी स्कूल छोड़ दिया, घर पर हैं, ये चौथी पढ़ी है, सरकारी स्कूल में है, चौथी में पढ़ रही है, यानी कि बेटा और ये बेटा दो जगह दे रखा है। देखिए एक बार ये 10वीं और ये 12वीं कर रखी है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये भी दिया गया है। देखिए ये तो सरकारी स्कूल में बेटी है चौथे में सरकारी स्कूल में, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, बेटा है 10वीं में है और प्राइवेट स्कूल में है, और बेटा दूसरा बेटा है वो 12वीं में है, वो भी प्राइवेट स्कूल में है। तो यहाँ पर देखिए कितने बेटा और बेटी के बीच में कितना भेदभाव किया जा रहा है। अब यहाँ पर है कि तालिका के आधार पर सवाल करो, माता चाची और पिता चाचा की शिक्षा की तुलना करें, एक निष्कर्ष निकालो। तो इसमें माता है प्राथमिक पढ़ी है, चाची है वो अनपढ़ है, पिता ने BA किया है, चाचा ने 12वीं पास किया है। निष्कर्ष ये है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को शिक्षा कम दी जाती है। अब आगे है कि घर में बेटों और बेटियों की शिक्षा की तुलना कर 2 निष्कर्ष निकालो। तो इसमें है बेटे घर में रहेंगे और घर का नाम रोशन करेंगे और बेटियाँ दूसरे घर जाकर अपना घर बसाएगी। तो इस तरह से
ये माना जाता है। दूसरा है कि बेटों को बाहर के कार्य सिखाए जाते हैं जबकि बेटियों को घर के काम सिखाए जाते हैं। आगे है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कि तुम्हारे गांव या कस्बे से क्या किसी महिला सरपंच का चुनाव हुआ है, उसका नाम लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, हमारे गांव में महिला सरपंच को चुना है, उसका नाम संतरू देवी है। आगे क्वेश्चन है कि पता लगाओ कि पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो वो 50% आरक्षण जो है वो दिया जाता है। अब आगे है यहाँ, क्या तुम महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण देने के पक्ष में हो, क्यों या क्यों नहीं। हाँ, मैं महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण देने के पक्ष में हूँ। इससे महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगी, एक सशक्त महिला सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देगी। अब आगे सातवां क्वेश्चन है यहाँ कि नीचे हरियाणा के बारे में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े भारत जनगणना 1991 और 2001 से लिए गए हैं। किसी राज्य की साक्षरता दर से हमें ये बताती हैं, साक्षरता दर हमें ये बताती हैं कि उस राज्य में 7 वर्ष और उसकी ऊपर आयु के कितने लोग कम से कम हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आंकड़े हैं, प्रति 100 में से है ये। यहाँ पर साक्षरता दर दी गई है, लड़के हैं जैसे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं यहाँ पर जो है 79, और 6 से 10 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनमें है 65, और 6 से 10 वर्ष के अनुसूचित जाति के बच्चे जो स्कूल जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में है जो है जनगणना के अनुसार वो है 52। यहाँ लड़कियाँ देखिए एक बार, इनकी में साक्षरता दर इनकी 2001 के अकॉर्डिंग है ये 56 ही है। देखिए लड़के जो है 79 है यहाँ पर, है ना, ये देखिए लड़के हैं 79 और लड़कियाँ हैं 56। यहाँ पर भी इसी तरह से देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में 1991 की जनसंख्या में जो स्कूल जाते हैं बच्चे वो लड़के 65 है और लड़कियाँ हैं 52। और 6 से 10 वर्ष की अनुसूचित जाति के बच्चे देखिए एक बार, उसमें 52 लड़के हैं और लड़कियां हैं 41, तो कम है यहाँ पर, है ना। इसमें है कि ऊपर बनी तालिका से निकलते हुए किन निष्कर्षों से आप सहमत हैं, टिक और क्रॉस का निशान लगाकर बताओ। तो इसमें देखिए एक बार, इसमें कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 10 वर्ष की लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा लड़के स्कूल जाते हैं, तो ये बात से सहमत है हम, इसलिए टिक कर दिया। 6 से 10 वर्ष के स्कूल जाने वाले लड़कों लड़कियों और अनुसूचित जाति की लड़कियों की संख्या की अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा स्कूल अनुसूचित जाति की लड़कियां जाती है, नहीं ये गलत है। आगे कि हरियाणा के साक्षरता दर और बच्चों की उपस्थिति के आंकड़े दोनों ये बताते हैं कि लड़कियों की शिक्षा की स्थिति लड़कों से बेहतर है, नहीं ये भी गलत है, लड़कों की बेहतर है लड़कियों की नहीं है। जैसे हम ये तालिका देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने अभी बताया भी था आपको कि साक्षरता दर ही देख लीजिए, ये 79 है और ये है 56, है ना। अनुसूचित जाति के बच्चे देखिए एक बार, 52 लड़के जा रहे हैं तो 41 लड़कियाँ हैं, कम हैं लड़कों से, है ना। और इसी तरह से यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में 65 लड़के हैं तो 52 लड़कियाँ जाती हैं स्कूल, तो यहाँ पर भी लड़कियाँ कम हैं। अब आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ महिलाओं के चित्र बने हैं जिनका अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारी प्रधानमंत्री जो है, प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री हैं ये, श्रीमती इंदिरा गांधी। और यहाँ पर देखिए ये है कल्पना चावला और ये है मदर टेरेसा। इनके योगदान के बारे में एक एक पंक्ति लिखो। तो इसमें हम देखिए लिखेंगे, ये है श्रीमती, यहाँ लिख लेना श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर खड़ा किया था। दूसरा है कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे है मदर टेरेसा। इन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इन्होंने मरते दम तक लोगों की सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ इसमें कि महिला आंदोलन किन किन मुद्दों पर कार्य करते हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे गांव की महिलाएं आंदोलन चलाएंगी तो किस मुद्दे पर चलाएंगी।
तो इसमें है कि महिला आंदोलन, लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, कानूनी सुधार, हिंसा, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर कार्य करते हैं। यदि हमारे गांव में आंदोलन, महिलाएं आंदोलन चलाएंगी तो मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा आदि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में दिए महिला आंदोलनों द्वारा चलाए गए अभियानों की 3 उपलब्धियां लिखो। तो इसमें उपलब्धियों में जो है, पहली उपलब्धि है कि कई महिला संगठन इन आंदोलनों के हिस्से हैं, और दूसरा है यहाँ पर कि कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, और तीसरा है इन आंदोलन से लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। इसी तरह से आगे यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हारे अनुसार महिला आंदोलन क्या लोकतंत्र को सशक्त करने में मदद करते हैं, अगर हाँ तो कैसे। तो इसमें लिखेंगे हाँ, महिला आंदोलन लोकतंत्र को सशक्त करने में मदद करते हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने तथा न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। अब आगे यहाँ पर देखिए एक पोएम है, जा तेरे सौपन बड़े हों, भावना की गोद से उतर कर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसे मुस्कुराए गाएं, हर दिन की रोशनी देख कर ललियाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हो, जा तेरे सौपन बड़े हो। ये दुष्यंत कुमार की जो है लिखी हुई कविता है, और इसका अर्थ दिया गया है यहाँ नीचे। अप्राप्य का मतलब है जिनको पाया नहीं जा सकता, मचलना का मतलब है तड़पना, ललियाए का मतलब है उत्साहित होना, और सौपन का मतलब है सपने। अब इसमें क्या है कि इसमें पूछा है कि इस कविता में दुष्यंत कुमार लड़कियों के लिए अपनी कुछ इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं, नीचे लिखे कथनों में से कौन से कथन उनकी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, टिक या क्रॉस का निशान लगाकर बताओ। तो इसमें पहला है कि लड़कियां अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों से डरे, तो ये तो गलत है, क्रॉस कर देंगे, ऐसा इस कविता में नहीं कहा गया है। दूसरा है लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, हाँ ये बिल्कुल सही है, टिक करेंगे। लड़कियां अपनी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से जूझें, तो ये भी बिल्कुल सही है। लड़कियां अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों से हार मान लें, ये गलत है, तो इसे क्रॉस करेंगे। चाहे रास्ता कठिन हो, लड़कियां अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेने के लिए संघर्ष करती रहे, ये भी बिल्कुल सही है, इसे टिक कर देंगे। अब आगे ये पाठ तो बच्चों यही ख़त्म होता है, नेक्स्ट पाठ फिर मैं आपके लिए नई वीडियो में लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।